शक्ति बिकॉज द रेस्ट कैंसर आपको शक्ति एक घूम में चला जाए घूम में चला जाए और फिटी कैंसर और एक्सरे भी नहीं आ रहा फिर भी शक्ति आपको दर्द हो रहा है तो आप वो भी स्कैन कर सकते इसमें आप 10% गवर्नमेंट में भूल जाए बोल इसके अंदर किया है तो और मुश्किल है बोल के अंदर भी सब कैसे पॉजिटिव तो लगता है मतलब वो भी नहीं अभी तो ये हो गया एक्सरे का तीन एक्सरे का लेकिन एक्सरे का जब नाम है तो एक बात ध्यान में रखना है एक्सरे जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है एक्सरे इज हाईली टेटोजेनिक बच्चा जो है उसका बड़ा खतरा जब भी किसी रिप्रोडक्टिव लाइफ वाली खातून हमारे पास एक्सरे करना हो तो आपको पूछना होगा कि अक्सर रिप्रोडक्टिव जो है बाहर के रूपों में वापस कर देते हैं एक्सरे की आलोचना करने के लिए आते हैं मेरी पेट में के यदि वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों मरवा रहे हो मेरे जहन में नहीं आया और मैंने नहीं पूछा और उसका हो गया तो तुम तो इस तरह तुम्हारी उसने आपको ठीक कर रहे कि आज तक ऐसा नहीं करो ये मेरे साथ फेयर नहीं है क्या चौकस रहना पड़ेगा कि आप इस तरह से लेकर आपको काम आपकी पीढ़ी आप पता करें बेटो यह है कि नहीं यहाँ से ये बात बनी हो हाँ अच्छा एक्सरे हो गए पेन एक्सरे हो गए अब आप आ जाएंगे कंट्रास्ट एक्सरे लेकिन कंट्रास्ट एक्सरे कोई भी हो सीटी स्कैन में तो और ज्यादा वो लगता है प्रेगनेंसी में मसला है अल्ट्रासाउंड में कोई मसला नहीं अल्ट्रासाउंड आप करते देखो दस करते हैं आप ना उसके बच्चे को मसला है ना पेशेंट को मसला है एक्सरे की तो कुछ ना कुछ रेडियोलॉजी जा रहे हैं ना कार्सिन नदी का इफेक्ट तो है उस पर लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोई नहीं है सर अल्ट्रासाउंड आप भले ठीक है तो दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट एक्सरे कॉन्ट्रास्ट एक्सरे एक होता है यूरोलॉजिकल प्रोसेस है तो आईपीपी आईपीयू जिसे कहते हैं उससे पहले एक ग्रीन फील देते हैं क्योंकि कंट्रास्ट में वो सफेद नजर आता है स्टोन भी सफेद नजर आता है तो बाद और बाद कंट्रास्ट देखे लगते हैं कि स्टोन है वो होता कंट्रास्ट तो पहली फील ग्रीन होती है जब कंट्रास्ट नहीं किया गया उसमें अगर कोई सफेद नजर आ रहा है तो कंट्रास्ट नहीं तो गालिबन स्टोन उसके बाद कंट्रास्ट दिया जाता है कि फॉरन दिया कि पाँच मिनट पे फॉरन जो देते हैं उसको लेटर ग्रैंड पाँच मिनट बाद पहले ग्रैंड होती है फिर उसके बाद आधे घंटे बाद एक घंटे बाद फिर दो घंटे बाद फिर चार घंटे आठ घंटे जैसे होते बाद में डिलेड फिल्म आती है देर से आती है तो स्पोन में ऑपरेशन की भी देर से आती है तो ये खैर आप अलग से वो करेंगे तो कभी और तफसील में जाएंगे इसकी लेकिन वो जीआईटी की भी चलता है मिसाल के तौर पर ओरल आपने दिया स्वालो करो अगर उस फेगस में कुछ कहते हैं वेरियम स्वालो डिस्फेजिया के अंदर ही मरीज को डिस्फेजिया है मरीज को तो आप करा सकते हैं लेकिन अब एंडोस्कोपी आगे ही उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें आप बायोप्सी भी ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट वेरियम स्वालो में बायोप्सी फिर बाद में करनी पड़ेगी अलग से वो कहते हैं यार डायरेक्ट कर लो ये वेरियम डीप में स्टमक नजर आता था वो भी एंडोस्कोपी की वजह से बोलते हैं फिर स्मॉल बॉल के लिए दो टेस्ट होते हैं एक कहलाता है स्मॉल बॉल एनिमल एक कहलाता है वेरियम फॉलोज वेरियम फॉलोज में पिलाते हैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टमक खाली होता है घंटों उसके एक्सरे लेते हैं वेरियम स्मॉल बॉल एनिमल में एंटीट्यूब डालते हैं पाइलोरस के बियॉन्ड जाते हैं और उसमें सरकार से पुश करते हैं अब क्या है आपको पता है कि पाइलोरस के बाद जीआईटी में जो अगला स्पीकर आता है वो आईओसी कहलाता है
तो लिहाजा उसमें फिर ड्यूजिनम और ड्यूजिनम और मैग्नियम सारा का सारा है, मुझे वो पसंद है। लेकिन बास रेडियोलॉजिस्ट पसंद करते हैं कि मेरे और कराएंगे, मुझे कितनी मर्जी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिसमें पूरा का पूरा नजर आया जाता है, खूब सारा कंट्रास्ट है उसमें, जब पल्स में थोड़ा थोड़ा इसका वक्त छोड़ रहा है आगे जा रहा है, फिर तो और आगे चला गया, फिर और फिर बहुत सारे एक्सीडेंट जाते हैं। लेकिन लार्ज बॉल के लिए वेरियम 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 पहले ये सिंगल, उसमें भी होता था कि रेक्टम जनरल कैनाल से वेरियम डाल के ले देते, अब उन्होंने कहा है कि वो वेरियम सफ़ेद सफ़ेद ही छुपा देते हैं, तो क्या करते हैं वो कि पहले जनरल कैनाल का साफ, उसके बाद वेरियम निकल भी जाता है, जैसे सूर है अब लिक्विड पड़ा हुआ है वो निकल गया पेशेंट को रोकता है, तो पहले क्या करते हैं कैसे थोड़ी कैचर डालते हैं उसका बलून छुपा देते हैं, बलून छुपा दिया कुछ बाहर से की नजरिया के अंदर, लेकिन बलून जो कैचर की जो टिप है जिसे यूरिन आता है वो बलून के बाद यहाँ से जब आप पुश करते हैं कंट्रास्ट तो बलून की वजह से तो निकल जाता है लेकिन वापस नहीं आता, तो डबल कंट्रास्ट एनिमा जो उसमें ये करते हैं कि वेरियंट भेजते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं उसके ऊपर इमेजिटेंसी का है, जब वो ट्रांसफर प्रोलॉन्ग की बीट में आ जाता है तो फिर वेरियंट को छोड़ के फिर एयर, तो एयर उसको वेरियंट को देते हुए सीकम पर चली जाती है, डबल कंट्रास्ट में एक कंट्रास्ट हो गया वेरियंट एक कंट्रास्ट हो गया एयर, उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से बना है। तो ये तो हो गया चलो कंट्रास्ट एक्सप्रेस। अच्छा एक और सी टी स्कैन ब्रेन एक्सरे में मुश्किल होती है, अगर सामने जी आई टी आ गई ना तो पीछे की चीज नजर आती है, सी टी स्कैन में सामने वहां पे कुछ नहीं है, टोमोग्राम का मतलब ये होता है कि बीच के सारे चीजों को हटा के वो उस चीज को देखेगी जो आपको नजर आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आई वी की तरह रहे तो पहले आप उसको बंद करिए, अरे जो आप ऑर्गेन देखते हो डायरेक्ट होता है, लेकिन उसमें एक्सरे ज़्यादा लगते हैं, तो लिहाजा पेशेंट को खुदा ना खासकर इसको कैंसर भी बढ़ जाता है, और पेशेंट को अगर वो प्रेग्नेंट है तो फेटल रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। फिर एक एम आर आई होता है, एम आर आई अगर मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक होता है उसका सर, और उसके रिजोल्यूशन बास सिचुएशन में स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू में सी टी से भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद पेट स्कैनिंग है और जो स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन तो हो गया वो एक अलग है, वो कैंसर में करते हैं। फिर आइसोटोप स्कैन इसमें आमतौर पर टेक्नीशियन 99 का आइसोटोप लगाते हैं, और डिपेंड करता है कहाँ क्या है उसकी रियासत, थायराइड के अंदर आयोडीन का स्कैन करते हैं, फैटी एसिडिटी के अंदर थायराइड ब्लीडिंग्स में करते हैं स्कैन, इसके अलावा जैसे आइसोटोप रीनल स्कैन कई टाइप के वो फंक्शन ऑफ द किडनी बताता है, किडनी कितना फंक्शन डिफरेंशियल भी बताता है कि राइट अगर 100% लेते हैं तो उसमें से 70% राइट किडनी का 30% लेफ्ट किडनी का, अगर किडनी डैमेज हो स्टोन की हम कर रहे हैं तो मैं हालांकि मेरी बात मानते हैं लेकिन डॉक्टर इतना महंगा भी नहीं है, निवृत्त हो जाता है 1000-1500 में, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि इस किडनी को निकाल के फेंको, ये इस किडनी को बचाने की कोशिश करो, यू कैन गिव बेटर सर्विस टू द पेशेंट। गलती है कौन पूछता है आपने निकाल के फेंक दिया, लेकिन आपको पता तो नहीं है इसका फंक्शन है, तो क्या पता 35% फंक्शन है।